गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं चाय पी रही हूँ, शिवाना चाय रस खा रही है। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि शिवाना इज सो एनर्जेटिक। व्हाई? लेट मी जस्ट शो यू। बजाओ से जोर से। हाँ जी, वेलकम बैक फ्रॉम माय साइड। शाम को ब्लॉग स्टार्ट करा है और कल है विवेक का लास्ट एग्जाम, तो इसलिए वो आज भी नहीं आया है। मैं ही लेके जा रहा हूँ हॉस्टल को। मैं जस्ट अभी आया हूँ ऑफिस से, और आते ही इसको पहले वॉश करा लेते हैं, फिर उसके बाद का दिन कंटिन्यू करते हैं। आधा दिन तो खत्म हो गया, बचा हुआ करेंगे फिर। शिवाना और हनी गए हैं पार्क, शाम के इनकी रूटीन है। बट मैं भी जा रही हूँ बाहर, मुझे थोड़ा सा सामान लेना है। और डिनर में आज मैंने बनाई है पाव भाजी। जब मैं सर्व करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। बड़े दिनों बाद बनाई। एक्चुअली कोमल भी बना रही थी, मम्मी ने भी बनाई थी पापा के बर्थडे पे, इधर ही रह गई थी बस बनने, तो मैंने सोचा बना ही लेते हैं। एक्चुअली बहुत सारी सब्जियाँ इकट्ठी हो रखी थी, इतने दिन से हम बाहर ही घूम रहे थे, तो काफ़ी सारी सब्जियाँ पड़ी थी, तो मैंने सोचा आज लगे हाथ इनको निपटा दिया जाए। लो जी, एक बच्चे की बारी ख़त्म तो दूसरे की स्टार्ट हो गई है, और मैं अपनी डैडी ड्यूटीज़ पे लग गया हूँ। घर पे एक सेकंड का भी सांस नहीं लेने दिया बच्चों ने, आते ही शुरू हो गए। एक को पॉटी आ रही थी, एक को खेलना है। चलो आओ कम। तो जी, गर्मियों का आगाज़ होते ही गन्ने के जूस पे आ चुके हैं हम लोग, हमारा फेवरेट, और शिवाना को भी टेस्ट करा रहे हैं। गाइस, विशाली का मन था पाव भाजी बनाने का, तो भाजी तो वही है, लेकिन ये जो है ये है गार्लिक वाले पाव, मतलब गार्लिक ब्रेड भी कह सकते हो आप इसको। तो ऑल इन ऑल गार्लिक पाव भाजी खा रहे हैं हम, और भाई काफ़ी अच्छी लग रही है मतलब देखने में। और मैं ना सच में नहीं खाता हूँ, मतलब मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ पाव भाजी का, लेकिन विशाली का और जैसे घर में बनी हो ना तो मैं फिर भी खा लेता हूँ, बट मुझे ऐसे हर जगह की पसंद आती नहीं है। गाइस होली अब तो होली तो खत्म हो गई, लेकिन मैं आज अपने लिए पैक करा के लाई हुई हूँ। लेकिन मेरे को मार्केट में खुशियाँ मिल गई मेरी फेवरेट दुकान से, तो मैंने दोबारा पैक करा ली। थोड़ी सी ली है 250 ग्राम, क्योंकि वो ना होली पे ना खा ली, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि वो और होनी चाहिए थी, तो ये रही। और हनी भी खाएगा। और जब हम बाहर गए थे तो मैंने आज पिया था गन्ने का जूस, जैसे कि आपने देखा था, और सिवान ने उसके बाद थोड़ी सी उल्टी कर दी, क्योंकि शायद उसने ज़्यादा पी लिया, पता नहीं क्या हुआ उसे, पचा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, या सुबह से ही जैसा था, तो उसने थोड़ी सी वॉमिटिंग कर दी गाड़ी में, फिर हनी ने गाड़ी साफ करी। उसे हड्डी खा ले। हड्डी का वस्तु की दीदी ले लेगी। दीदी ने ले ली हड्डी। ये रही, ये देख, ये रही, ये रही हड्डी। हां उसकी भूख पे पैर रख दिया। हमारा बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसको पढ़ाई के वक्त कोई डिस्टर्ब करे, पढ़ाई भी कराए, खुद ही सेल्फ स्टडी में बिलीव करता है मेरा बेटा, सेल्फ स्टडी कर करके ही पास हो जाना है इन्हें। देखो वो, देखो सेल्फ स्टडी पढ़ा हुआ है, स्टडी टेबल पढ़ा हुआ है। ओके गाइस, तो दिन में शिवाना नैप नहीं ले पाई आज, तो आज जल्दी उसको बहुत नींद आ रही है, क्योंकि क्रैंकी हो रही है, तो ऑब्वियसली बच्चा सोने को अगर कर रहा है जिद, तो हमें व्लॉग वही एंड करना पड़ेगा। तो आज 12 बजे ही व्लॉग एंड हो रहा है, अदरवाइज 2 बज जाते हैं। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।